ये देखना पड़ेगा कि जैसे अभी संकेत मिले हैं कि जो टेररिस्ट हैं जिन्हें जैसे जैश ए मोहम्मद ने इसकी जवाबदारी ली है, उन्होंने बोला है कि एक आदिल करके जो एक काकपुरा गांव, काकपुरा एक छोटा सा कस्बा है पुलवामा के पास में, मुझे इस एरिया का पूरा पता है, इस गांव में काफ़ी परे से नोटोरियस था कोई ना कोई टेररिस्ट होता रहता था। तो अभी ज़रूरी है कि हमको अपने जो यंत्रणा है, गुप्तचर यंत्रणा है, खबर लाने की, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो जो लोग यहाँ पे हैं, जो जो टेररिस्ट है जो कार्रवाई करते हैं या कोई प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके पीछे हमको हाथ धो के जो धोना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, हमने पिछले 15-20 दिन ऐसे हुआ है कि काफ़ी टेररिस्ट मारे भी है, पिछले महीने में देखो काफ़ी हो गए, तो ये चल रहा है। तो हो सकता है इससे उनको लगा है कि हमारे काफ़ी खात्मा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हल्ला करना चाहिए जैसे उनको लाइमलाइट में प्रसिद्धि में आ जाए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं वो अभी तक टेररिज्म जिंदा है और जो कार्रवाई करना चाहते कर सकते हैं। क्या उनसे संवाद किया जाए, एलिमिनेट किया जाए? देखिए, टेररिस्ट अगर टेररिस्ट है और जो बंदूक उठाता है, तो उसका बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना मैं समझता हूँ। लेकिन जो नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं या उनको लगता है कि हमने जाना चाहिए, उनको अपने देश के, अपने तरीफ, अपने मुख्य धारा में जरूर लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों अप्रोच चाहिए, एक हार्ड भी और सॉफ्ट भी। दो एक ही हार्ड अप्रोच से काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट भी अप्रोच होना चाहिए।